लो जी भाई, आप ये वाले चावल देखो, तब तक मैं दूसरे चावल लेकर आता हूँ। ओ मेरी जान, चावल के अंदर पैसे? हाँ भाई, इधर आ जाओ, इधर दिखा देता हूँ। अरे भाई ये तो चक्की है, यहाँ पे कैसे दिखाओगे? अरे भाई असल में क्या है ना, वो दुकान छोटी पड़ गई थी इसलिए सारे चावल यहीं पे लिए आए, तो यहाँ पे आराम से दिखा दूंगा। अच्छा चलो दिखाओ। अरे सुनो भाई, सेम यही चावल है वो कट्टा दिखाना, और कोई कट्टा मत दिखाना। हाँ भाई टेंशन मत लो, सेम यही कट्टा दिखाऊंगा। अबे इसमें इतने सारे पैसे, दूसरा कट्टा क्यों मंगाया है? इसे ही लेके चल रहे हैं? अबे मैंने दूसरा कट्टा इसलिए मंगाया है, जब इसमें इतने सारे पैसे निकले, क्या पता उन कट्टों के अंदर भी बहुत सारे पैसे निकल जाए। अबे यार बात तो सही करा है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अगर ऐसा हुआ ना तो इससे सारे कट्टे खरीद लेंगे। हाँ तू बहुत लेट समझता है। अरे भाई यार, इन चावलों का कट्टा खत्म हो गया यार। खत्म हो गया? अरे यार ऐसे कैसे खत्म हो गया, एक बार और देख लो यार, इतना बड़ा गोदाम है, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। अरे नहीं है भाई, मैंने अच्छे से चेक कर लिया, खत्म हो गए सारे कट्टे। अच्छा? हाँ भाई, मुझे लगता रहा था एक ग्राहक आया था, उसको बहुत पसंद आए थे ये वाले चावल, तो मुझे लगता सारे कट्टे वही ले गया यार। अच्छा, अरे यार मुझे लगता है भाई उस बंदे को पता लग गया कि इन चावलों के कट्टे के अंदर बहुत सारे पैसे हैं, तभी वो सारे कट्टे लेके चला गया। अबे तो एक काम करते ना, यही कट्टा लेके चलते, कहीं ये भी हाथ से निकल जाए। हाँ यार बात तो तू सही कह रहा है, चल इस कट्टे की बात करते हैं। अरे भाई आपस में क्या बातें कर रहे हो, मुझे ये तो बता दो दूसरे चावल दिखाने तुम्हें या नहीं? भाई दूसरे चावल नहीं दिखाने, हमें तो यही वाले चावल चाहिए। अरे भाई लेकिन ये तो थोड़े से हैं, इनके चावलों का कट्टा और नहीं है। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, जितने चावल हम उतने ही ले लेंगे, आप इसके रेट बता दो कितने के दोगे। भाई चावल देखो थोड़ा महंगा है यार ये। अरे भाई महंगे की कौन बात कर रहा है यार, हम अच्छे खासे खाते पीते घर के, हमें चावल अच्छे लगे, तुम इसके रेट बताओ कितने के पड़ेंगे। अच्छा भाई इनका रेट पड़ेगा आपको 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो? अरे यार तुम इनको महंगे बता रहे हो, ये महंगे थोड़ी है, ले लेंगे तोल दो कितने। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको, कॉल आ रही है। अच्छा हाँ बड़े भैया। अच्छा अच्छा ये हरे कट्टा बासमती का? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। भाई यार ये कट्टा नहीं दे सकता मैं तुम्हें। क्यों भाई क्यों नहीं दे सकते यार? असल में भाई क्या है, जो हमारे मालिक है ना, उन्होंने चावल थोड़े से इसलिए बचाए, उन्हें किसी को सैंपल के तौर पे भेजने हैं। अरे यार भाई अभी थोड़ी देर पहले तुम देने की कह रहे थे, अब तुम मना कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है यार। भाई अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार, मालिक ने ऑर्डर दिया है यार, मेरी दुकान थोड़ी है, अब मालिक से एडवांस चलूंगा तो यार मालिक मुझे बाहर निकाल देंगे। भाई हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, लेकिन हमें ये चावल पसंद आ गए, तुम एक काम करो अपने मालिक से बात कर लो, या फिर इसके एक्स्ट्रा पैसे ले लो। यार कितने एक्स्ट्रा दे दोगे तुम, तुम्हारे एक्स्ट्रा के चक्कर में मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी भाई। अरे देख लो भाई, मैं तुम्हें 500 रुपए किलो के हिसाब से पैसे दे दूंगा। भाई नहीं दे सकता, मालिक का ऑर्डर है यार, क्या कर सकता हूँ। और हाँ अगर मैं इसे तुम्हें 500 रुपए किलो के हिसाब से दूंगा भी, तो फिर भी कम पड़ जाएंगे भाई, चावल 3 किलो के लिए। अबे इसकी इतनी बकवास की सुनना, इस कट्टे में 2-4 लाख रुपए तो होंगे, 10-20 हज़ार रुपए इसका दे के मुंह बंद कर इसका। यार बात तो सही करा है भाई, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, अब तुम्हें देने दे दो वरना कोई बात नहीं। यार देखो बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मैंने कभी ऐसा काम किया नहीं मालिक से कुछ चोरी छुपे। अरे रखो यार, मालिक को कुछ पता नहीं चलने का, 19-20 तो सब चलता है, मजे लो तुम बस। अच्छा भाई चलो ठीक है ठीक है, लेकिन भाई ये चावल बाद में वापस नहीं होंगे? अरे वापस कर भी कौन रहा है, ठीक है टेंशन मत लो। ठीक है, आज तो मोटा हाथ लग गया, ऐसा बेवकूफ दुकानदार मिला है, उसे यही नहीं पता उसके चावलों के कट्टे के अंदर इतने सारे पैसे हैं। जल्दी खोल। मेरी जान। अबे ये क्या कोई नया बैंक खुला है क्या? भारतीय मनोरंजन बैंक। एक सेकंड, भारतीय मनोरंजन बैंक, भारतीय मनोरंजन बैंक। अबे नकली पैसे, अबे इसका मतलब हमें चूना लग गया। अबे यार हम तो लूट गए यार। अबे अब क्या करें इन चावलों का? अबे अब क्या करें क्या? इन चावलों को तू ही खाइयो बना करके, तू ही बहुत बोल रहा था 10,000 रुपए दे दे इसको।